Hi guys, I'm your host Shinmay and you're watching Clutch Up. I think the girls with the nails done now. So today's video is about the Toyota Corolla. According to the last update on the vehicle, it was functioning well. Again, I took it out for a drive and it started losing out on pickup and also it started chattering. Also showed a engine misfire sign, which is highly unlikely because I have changed all the coils on it. What would be the issue with the Toyota Corolla? There is something in the air intake that's causing the issue. There would be something in the catalytic converter, so also be the fuel pump that's not generating enough pressure, and that's why the car is misfiring. Let's check out all these parameters, and mostly after that, the car should be good to go. First things first, let's just open the hood and check the air intake toolkit that I'm going to use it. Vlogging and shooting with one hand kind of difficult, so I'm going to leave the camera here as I open this pipe, check this pipe, and also check the intake. तो अभी ना एकदम सिंपल सी काम करते हैं, गाड़ी चालू करते हैं, देखते हैं क्या आरपीएम पे आइडल करती है, बैटरी टर्मिनल डिस्कनेक्ट करके फिर बाद में चेक करते हैं कि इफ रीसेट करने के बाद इट डज आइडल ऑन दैट आरपीएम और इफ इट गोज अप. एएफआरस रीसेट हो जाएंगे, पता चलेगा कि फॉल्ट फ्यूल लाइन में है, मतलब एटलीस्ट थोड़ा सा डिसाइड करने के लिए ईजी हो जाएगा. ऑल्सो मैं गाड़ी मोस्टली मैकेनिक के यहाँ पे लेके जा रहा हूँ क्योंकि लॉट ऑफ बोल्ट्स आर रस्टेड एंड दे हैव बेटर टूल्स टू ओपन दोज, तो वो भी हो जाएगा. वो मैकेनिक के पास लिफ्ट भी है तो मैं एग्जॉस्ट डाउन करके उसको साफ कर लूंगा. तो सुपरमैन जी जरा हट जाओ. गाड़ी आइडल कर रही है 1000 के ऊपर और थोड़ा सा अनस्टेबल आइडलिंग है. ठंडी है वो भी एक इशू हो सकता है, बट वाइब्रेशन कुछ ज्यादा ही है. डिस्कनेक्ट द बैटरी टर्मिनल, सी इफ एएफआरस आर वर्किंग. तो जो बैटरी का ये वाला टर्मिनल है उसको निकाला, 5 मिनट साइड में रखा, चाबी चालू बंद किया और फिर वापस लगाया. अभी देखते हैं कि क्या रीसेट होता है कि नहीं. अभी मोस्टली आइडल 2000 पे पकड़ा और 1000 पे लो हो गया है, तो देखते हैं सेटल डाउन होता है क्या उधर. अभी आइडल तो सेटल हो गया, मतलब एएफआर रीसेट हो गया है. अभी गाड़ी लेके जाते हैं, लिफ्ट पे चढ़ाते हैं, कैटकॉन वैटकॉन का काम करते हैं. अब थोड़ा देर में गाड़ी को आइडल होने देते हैं, गाड़ी इसके बाद फिर लेके चले जाएंगे एंड लिफ्ट पे चढ़ाएंगे, देखते हैं क्या होता है. कुछ तो साउंड आ रहा है देखते. तो अभी 3-4 जगह मैं जैसा चेक कर लिया, तो एयर फिल्टर में कचरा था, नथिंग रियली सस्पिशियस. ये बैटरी रीसेट करने के बाद से बीच बीच में गाड़ी अच्छा से चलता है, बीच बीच में मिसिंग मारता था. अभी दिस थिंग आई डोंट नो व्हाट दिस इज, वो खोल के चेक कर रहे हैं. अभी एयर फ्लो सेंसर ही होना चाहिए और वो थ्रॉटल बॉडी सेंसर होगा. सो फाइनली गाइस, इनसे भी नहीं हुआ, इनके पास वो स्क्रू नहीं था, बेसिक 5 स्टार वाला स्क्रू चाहिए था. फ्यूल पंप चेक करने के लिए दे सेड यू कैनॉट चेक ऑन दैट मशीन, तो देखते हैं अभी फ्यूल पंप कहाँ से चेक कर सकते हैं. दैट इज द अपडेट. द कार इज ओके आई वुड से, बट इट्स नॉट ग्रेट. थोड़ा सा घूम के आया नहीं, मैं ट्रैफिक में अटका हूँ, बट ये जो है आरपीएम अभी काफ़ी स्टेबल है एंड आई मीन अभी कुछ इशू नहीं दे रहा. मैं एक मस्त हाईवे का रन मार रही हूँ, इवन माइलेज वाइज इट इज़ डूइंग गुड. आई जस्ट नीड टू चेक कि वो थोड़े देर बाद वापस इशू चालू होता है कि नहीं. माई कार इन 5th गियर. अभी वो इंजन चेक लाइट तो कुछ सेंसर वेंसर निकाला इसके लिए आ रहा है. 5th गियर के लिए आई थिंक दिस स्पीड इज डिसेंट ओके, एंड इवन इफ आई प्रेस माई पेडल हार्ड, थोड़ा सा पिकअप तो है, लाइक गाड़ी पिकअप ले रही है, विच नॉट द केस इन द प्रीवियस थिंग्स. प्रॉबेबली ठीक चल रही है, मुझे लगता है एएफआरस का ही इशू था. अपेरेंटली अभी पेट्रोल की खुशबू आ रही है गाड़ी में, एंड तुम्हें कैसे आएगी वो अलग बात है, बट आ तो रही है. इंजन खोला और यहाँ पे से कुछ तो टपक रहा है, ठीक है. पेट्रोल है, पानी है, कुछ पता नहीं. कैटकॉन तो गर्म नहीं हो रहा है, लाल लाल को रीसेट करता हूँ मैं. गाइस एज यू कैन सी वो दरवाजा भी हो गया, सीट वाला दरवाजा खुला था. सॉल्यूशन दैट आई एम थिंकिंग इज एएफआरस का इशू है. आरपीएम अभी बहुत स्टेबल हो गया, नीचे लोअर 500-700 के आसपास है. ड्राइव करने पे पिकअप भी ले रही है गाड़ी. फाइनली यहाँ से ना घूम फिर के हम में बड़ा तो बहुत शिटीएस्ट वर्कशॉप, बट इनके पास टूल्स होते हैं. बट अभी अगर ट्रायल लेते वक्त इशू नहीं हुआ है तो आई थिंक वो सिर्फ एएफआरस. एक क्यूब बता रहा हूँ, बट ये कितना सेटिस्फाइंग लगता है देखने को एकदम ऐसा. तो अभी पार्क कर दिया है गाड़ी,
तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं. मेक श्योर यू गाइस स्टे ट्यून्ड फॉर द अपडेट ऑन दिस व्हीकल. आई थिंक मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है. ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप कॉइल वॉइल का कुछ काम करते हो तो जरा बैटरी ओपन करके खुली छोड़ देना, मतलब AFRs रीसेट हो जाएंगे, तुम्हारे क्लियर कोड्स रीसेट हो जाएंगे, गाड़ी जरा स्मूथ चलने लगी. अभी मुझे देखना कि फ्यूल पंप का इशू है कि नहीं. फ्यूल अप कर लेता हूँ, बाद में आपको अगले वीडियो में अपडेट कर देता हूँ. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय.